दोस्तों इंडिया में 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडिया में एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर एक स्टूडेंट को चाहिए क्या? एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि उसके सामने जो टीचर खड़ा है वो उसकी प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर दे, यानी कि वो बच्चा समझ जाए, इतने आसान भाषा में समझा दिया जाए स्टूडेंट को। ठीक है, वैसे एजुकेशन बिजनेस में कितना प्रॉफिट है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको उस व्यक्ति से मिलवाया जो बिहार में रह के लाखों प्लस का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब अबाउट 1 लाख की अर्निंग कर रहे हैं। उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एजुकेशन फील्ड में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। हालांकि सिर्फ एक वेबसाइट से वो लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, अब वो एप्लीकेशन से कितना करेंगे और आगे उनकी क्या चीज़ें, उनके आगे क्या प्लानिंग है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको देखने को मिलेगा। खैर, आज इस वीडियो में मैं एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ सडनली, ये आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। बिकॉज आज इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ हमारा नेक्स्ट और एक बहुत मॉडर्न डिज़ाइन क्विज एप्लीकेशन के बारे में। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक आपके उस पढ़ाई का टेस्ट ना हो तब तक ये समझ में नहीं आता है कि आपका जो नॉलेज है वो किस लेवल पे है। आप कितना भी भाग लो, जब आप कंपटीशन में उतरते हो ना तब आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे खड़े हो। इसलिए क्विज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम। फिर वो आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्यूशन में क्विज टेस्ट ऐसे भी दे सकते हो, जनरल नॉलेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ लोग उसे एज अ बिजनेस यानी कि रियल कैश क्विज भी आजकल लोग बना के अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। वैसे जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, ये जो क्विज एप्लीकेशन है हमने डेवलप किया है सभी पर्पस के लिए। आप इसमें चाहो तो पेमेंट गेटवे लगा के उन क्विज को प्रीमियम भी रख सकते हो। आप लोग होम स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही लेटेस्ट है, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे चलने वाला है ये। उसके बाद में आपने होम स्क्रीन पे देखा, यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिया हुआ है क्विज एग्जामिनेशन क्विज के साथ हमने करंट अफेयर्स, फिर जनरल नॉलेज, ये सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं ताकि वो स्टूडेंट्स या फिर वो टीचर्स, ऐसे स्टूडेंट्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले टीचर्स की बात करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं एज अ क्विज, यानी कि या फिर एग्जाम के टाइम पे एक्चुअली ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या फिर जो सरकारी गवर्नमेंट जो जनरल कंपटीशन होता है जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि और देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वही बंदा बना सकता है जो टीचर हो या जो वेल एजुकेटेड हो, सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्विज एप्लीकेशन बिजनेस पर्पज के लिए आप बना सकते हो, ठीक है, और इसे कोई भी बना सकता है। जस्ट आपको करना क्या है, यहां पे क्वेश्चंस डालने हैं और आपके टारगेटेड ऑडियंस को समझना है। क्या आपके टारगेटेड ऑडियंस वो 10th के बिलो वाले स्टूडेंट्स हैं, 10th के अबव वाले स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कंपटीशन में इस टाइम तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, ये एमसीक्यूज क्विज एप्लीकेशन जानते हो क्यों मार्केट में ट्रेंड में आता है? किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत टफ होता है, बहुत बड़ा पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, बट वही क्वेश्चन का आंसर जबकि हमें पता है कि उसको, ठीक है, ब्रीफ में डिटेल में अगर आपको लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, बट अगर उस क्वेश्चन का आंसर जस्ट एक टिक करके, हालांकि एमसीक्यूज आप सभी को पता है हर एग्जामिनेशन में होता है, तो जस्ट एक टिक करके हमें अगर आंसर को, उस क्वेश्चन का सही आंसर पता चल जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वैसे एप्लीकेशन ट्रेंड करते हैं, इसीलिए केबीसी जैसे एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है, वहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ना कि उसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है ब्रीफ में, तो इसलिए क्विज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड करते हैं। उसके बाद में हमने इस एप्लीकेशन में जनरल नॉलेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आप अगर स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो उसके साथ साथ आप उनकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ा रहे हो। खैर, ये सारे एप्लीकेशन के फंक्शन फीचर्स तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इसके अर्निंग की बात करें तो इसमें आप दो वे से अर्न कर सकते हो। पहला हमने ऑप्शन रखा है
फ्रीमियम। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता कि वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है प्रीमियम, जो कि यूपीएससी वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप वहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकते हो, टेस्ट डाल सकते हो, करंट अफेयर्स है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें पुट करके आप कुछ क्वेश्चंस प्रीमियम पेड भी रख सकते हो। ठीक है, तो प्रीमियम 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 एक्चुअली फीचर्स आप डलवाना चाहो तो डलवा सकते हो। ये जो आपके सामने डेमो दिख रहा है ये बिल्कुल प्रीमियम ऐप है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके कॉस्ट की बात की जाए तो हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, इसका कॉस्ट हमने बहुत लो रखा है, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्वियसली आप भी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, आपका भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बाद में आगे चल के जो भी आपका ट्रेंड करे मार्केट में बहुत अच्छी खासी अर्निंग करो आप, बट स्टार्टिंग में हमने इसका कॉस्ट बहुत ही कम रखा है, 20,000 रुपीज है पर अगर आप आज बनवाते हो तो आपको 10,000 डिस्काउंट, यस, यानी कि 50% ऑफ पे आपको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे कॉल कर सकते हो, इसके बारे में और डिटेल जानना है, डेमो देखना है, एडमिन पैनल देखना है, सारी चीज़ें वैसे तो आपने यहाँ पे वीडियो में देख लिया, और भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, इसके बारे में जो भी डिटेल जाननी हो। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्विज एप्लीकेशन को लेकर, अगर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।